सो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूँ अक्सर रोशन एंड वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ माय ट्रैवल डायरी। और आज मैं आप लोगों को लेकर चल रही हूँ अपने मदरसे, और मेरा मदरसे का नाम है अल ईमान इंस्टीट्यूट, जो के जिसके तीन कैंपसेस हैं। दो कैंपसेस जो हैं वो मोहम्मद अली सोसाइटी में हैं, विच आर नियर टू माई यूनिवर्सिटी, और एक है डिफेंस में जिसमें मैं कभी नहीं गई, लेकिन मैं मोहम्मद अली सोसाइटी के दोनों कैंपसेस हमेशा जब भी मतलब मौका मिलता है मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज का ट्यूटर मेरा 340 तक अराउंड ऑफ हुआ है, और अब मैं मदरसे से नहीं कॉलेज से मदरसे आ रही हूँ, बल्कि जा रही हूँ, और मैं आधे रास्ते पहुँच भी गई हूँ। मैं सिर्फ 5 मिनट की वॉक पर हूँ एंड देन मैं अपने मदरसे पहुँच जाऊँगी। लेकिन क्वेश्चन जो मेरे पास आता है लोगों का वो ये आता है कि भाई आप लियाकत से मदरसे जाती कैसे हैं। सो हॉनेस्टली स्पीकिंग, अब मुझे तकरीबन 1.5 साल या 1 साल होने वाला है अलीमान से जुड़े हुए, और इस दौरान मैंने तकरीबन 2 या 3 रास्ते जो हैं वो निकाल लिए हैं। एक रेड बस से है रास्ता, एक न्यू टाउन चिंची से रास्ता है, और एक मेरे घर से अपना रास्ता है। ठीक है, सो आज जो मैं आपको रास्ता दिखाने वाली हूँ वो होगा मेरा लियाकत से मदरसे तक का, लेकिन न्यू टाउन के ज़रिए। ठीक है, सो न्यू टाउन रेड बस से नहीं आया जाता, वहाँ पर एक चिंची होती है वो चलती है। सो अभी जो है मैं मोहम्मद अली सोसाइटी के बैक साइड पर हूँ, और मैं यहाँ तक कैसे पहुँची चलें मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, ये सामने कॉलेज है। ठीक है, मैंने रोड क्रॉस किया, आई एम वेटिंग फॉर द चिंची। यहाँ से जो भी चिंची आएगी मैं उस चिंची में बैठ कर न्यू टाउन चली जाऊँगी। ठीक है, सो हम लोग यहाँ न्यू टाउन पहुँच चुके हैं। आप लोगों को सामने न्यू टाउन दिख रहा होगा, इसी न्यू टाउन के बिल्कुल पुल के पास जो है बहुत सारी ब्लू चिंचियाँ जो हैं वो खड़ी हुई होती हैं। आपने उनमें से किसी से भी एक से पूछना है कि भाई बलोच पुल जाएंगे, जो बलोच पुल बोले आपने उस चिंची में बैठ जाना है, फिर वो चिंची आपको लेकर जाएगी। तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत के बाद आपको बहुत सारे ब्रिजेस नज़र आएंगे, एक से उतरेंगे दूसरे से, इस तरह होगा। लेकिन आपने फिर कौन से वाले ब्रिज पर उतर जाना है वो होगा, एक ब्रिज वहाँ पर ख़त्म हो रहा होगा और दूसरा ब्रिज शुरू हो रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में जो गली आ रही है ना आपने वहाँ पर रुक जाना है, और वहाँ से उतरकर आपने अंदर जाना है उल्टे हाथ पर। ठीक है, देख लें, ये ब्रिज यहाँ पर दूसरा शुरू हो रहा था। अब इस गली की निशानदेही मैं आपको कर देती हूँ, एक तो ये मैंने बता दिया कि एक ब्रिज ख़त्म हो रहा होगा और दूसरा ब्रिज शुरू हो रहा होगा। इसके अलावा अपोजिट रोड पर इंडेक्स लिखा हुआ होगा रेड कलर से। इसके अलावा उल्टे हाथ पे जिस गली के अंदर हमें जाना है उस गली में बहुत बड़ी मस्जिद का जो है वो मिंबर भी दिख रहा होगा। जी हाँ जी, तो अब आप बताइए मुझे समझ आ गया कि मैं इस रास्ते पर इस गली तक कैसे पहुँची हूँ। चलें एक रिवाइंड दे देती हूँ। आपने क्या करना है, लियाकत से निकलना है, क्रॉस करना है अपोजिट रोड पर आकर, जो चिंची मिले उस चिंची में बैठ के न्यू टाउन चौरंगी चले जाना है। उस न्यू टाउन चौरंगी को मैं कबूतर चौरंगी भी कहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कबूतर बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर ब्रिज भी है, वहाँ पर गन्ने वाला शरबत भी है, और आप जब मेन रोड पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी ब्लू कलर की चिंचियाँ जो हैं वो ऑलरेडी खड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो उनमें से किसी भी एक चिंची वाले से आपने ये पूछना है कि भाई बलोच पुल जाएंगे आप, जो बोले हाँ मैं बलोच पुल जाऊँगा, आपने उस चिंची में चुपचाप से बैठ जाना। सो तकरीबन 10 मिनट्स के अंदर अंदर ना वो चिंची आपको बलोच पुल पर पहुँचा देगी। अब देखें, बलोच पुल की मैंने 3 तरह की आइडेंटिफिकेशन आपको समझाई है। एक तो ये कि जहाँ पर 2 ब्रिजेज हो ना उसके बीच की गली पे उतरना है आपको, एक ब्रिज स्टार्ट हो रहा होगा दूसरा ब्रिज ख़त्म हो रहा होगा, एक वो है तरीका। दूसरा है कि अपोजिट रोड पर इंडेक्स लिखा हुआ होगा ग्रीन कलर से बहुत बड़ा बड़ा, सही है, एक वो चीज़ है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको आइडेंटिफाई करवाई है वो है मस्जिद। ठीक है, बुरहानी एवेन्यू गली का नाम है, तो वही है कि ये तीनों मैंने आप लोगों को बता दिया, वरना आप चिंची वाले अंकल को ही कह दीजिएगा कि बलोच पुल जिस तरह शुरू हो ना बस आप मुझे वहीं पर उतार दें। ठीक है, ये ईजीएस्ट वे, दैट्स इट, यही है। एक दो बार आप बार बार आना जाना करेंगे तो आपको रास्ता खुद ही समझ आने लग जाएगा। ठीक है, फिर आपने
वैसे मुझे फॉलो करना, जैसे मैंने आपको बताया कि उस मस्जिद से आपने बिल्कुल सीधा सीधा अंदर आना है। सो बेसिकली मैं यहाँ तक आ गई, ठीक है, और अब मैं ये जो एक रास्ता बंद नज़र आता है ना, मैं यहाँ से अंदर जा रही हूँ, ठीक है। मैं वही इंडेक्स वाली फिगर, बुरहानी एवेन्यू और जो मैंने मस्जिद दिखाई थी ना, वहाँ से मैं बिल्कुल सीधा अंदर आई हूँ, ठीक है। और फिर मैं इस गली के अंदर अंदर आ गई और इस गली से मैं अंदर जा रही हूँ, ओके। इस गली से मैं अंदर आ गई थी जो बंद हुई हुई थी, जो रेड और वाइट ग्रिल लगी हुई थी। ये पहली गली आएगी, ये गली भी बंद है उल्टे हाथ पर, ठीक है। आपने इस गली में भी नहीं जाना, सही है, आपने अभी भी सीधा ही चलना है। सीधे हाथ पर तो आपको अभी तक कोई गली नहीं दिखी, उल्टे हाथ की एक गली आई, आपने वो भी स्किप कर दी। उल्टे हाथ और सीधे हाथ पर दोबारा गलियाँ आएंगी, आपने उसे भी स्किप कर देना है। आपने चुपचाप से सीधा चलते रहना, ठीक है, जब तक मैं बता रही हूँ। अगर सिर्फ उल्टे हाथ को रखें ना, सीधे हाथ को चलें भूल जाएं, अगर सिर्फ उल्टे हाथ को रखें तो ये उल्टे हाथ की दूसरी गली है, ये वाली, ठीक है। अब मैं ये भी स्किप करने वाली हूँ और मैं सीधा जा रही हूँ, ओके। ये लेफ्ट पर तीसरी गली है, ठीक है, हमने इसे भी स्किप कर दी और अब हम फिर से सीधा जा रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हाथ पर तीसरी गली आ चुकी है, सही है, हमने वो भी अभी स्किप कर दी, हम लोग सीधा जा रहे हैं पैदल। सो बहुत ज़्यादा धूप है, इस धूप से बचने के लिए मैं सबसे अच्छा तरीका जो करती हूँ, मैं अपने साथ रखती हूँ कैप, जो मुझे आज नहीं मिली, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे से लेकर आऊँगी। पानी की बॉटल मैंने भर ली अपने कॉलेज से, भाई बहुत तेज़ धूप है, आपने पानी रखना है। अब ये जो उल्टे हाथ पड़ रहा है ना हमारा, उल्टे हाथ पर ही हमारी चौथी गली आ गई है, सही है। ये इस तरफ ये लिखा हुआ होगा बेंगलोर 30 से 24 से 30, ये इधर गली बंद होगी, आपने अंदर जाना है, ठीक है। उल्टे हाथ की चौथी गली, सही है, उल्टे हाथ की चौथी गली पर आपने बिल्कुल सीधा सीधा जाना है। बेंगलोर नंबर 32 आता है, वही है हमारा मदरसा, वो रहा, दिख रहा है, दिख रहा है। और भाई जाने का रास्ता भी यही है, अगर आपको न्यू टाउन से जाना है तो ये रहा मेरा मदरसा, आ गया, बाय बाय बेंगलोर 32। तो भाई रोशनी रोशनी में ही मेरे मदरसे का हो चुका है ऑफ, जो सेशन मैं अटेंड करने आई थी वो हो चुका है मुकम्मल। तो अब मैं जा रही हूँ वापस, तो मैं अब आपको रास्ता बताती हूँ। अब मैं वापस जिस रास्ते से जा रही हूँ ना, मैं वो जा रही हूँ रेड बस वाले रास्ते से, दैट्स R3, ठीक है। सो हुआ क्या है कि मैं जब मदरसे से निकली तो दो रोड्स पड़ते हैं ना, देखें ये है मदरसा मेरा, ठीक है, एक रोड उधर जा रहा है और एक रोड मेरी तरफ जा रहा है जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ। तो आपने मदरसे से निकलकर सीधे हाथ जाना है, सीधे हाथ जाकर अब आपके पास दो गलियाँ आ रही हैं, पहले ही में सीधे हाथ पर एक गली आ रही है और एक उल्टे हाथ पर आ रही है। हम लोग सीधे हाथ से आए थे ना, तो हम लोग अब जाएंगे उल्टे हाथ, ठीक है। हम लोग सीधे हाथ वाली गली से अंदर आए थे, मैं जा रही हूँ अब उल्टे हाथ पर, ठीक है। और ये उल्टे हाथ पर बिल्कुल आप देखें ऊपर, वो देखें वहाँ पर मस्जिद का फिर से मिंबर दिख रहा है, ठीक है। तो यही गली आपने बिल्कुल सीधा एंड तक जो है वो चलना है, इस गली के एंड सीधा 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 सीधा। जैसी गली ख़त्म होगी ना, तो सीधे हाथ पर आपको रोड दिखेगा, मेन रोड, आपने उस मेन रोड तक जाना है, वहाँ पर आपको R3 बस मिलेगी। अब अगर आप स्टेडियम रोड उतरना चाहते हैं वो आपको वहाँ पर ड्रॉप कर देगी। और कौन कौन से स्टॉप्स आते हैं स्टेडियम रोड से, 10 नंबर से पहले जितने भी स्टॉप्स आते हैं वहाँ सब आप मतलब उतर सकते हो, जहाँ पर भी बीच में आपका घर आ रहा है वहाँ पर। इसके अलावा मैं नीचे लिंक डाल दूँगी R3 के बस और रेड बस के रूट्स का, तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा R3 जो है वो नाजमाबाद भी जाती है, तो वहाँ तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं जाने के आने के। ये मैंने आपको दो रास्ते दिखा दिए, एक आने का जो मैंने न्यू टाउन वाला फॉलो किया था,
अब जाने के लिए मैं रेड बस वाला फॉलो कर रही हूँ। हम लोग गली के एंड तक पहुँच चुके हैं। ये भी गली का दरवाज़ा दिख तो बंद ही रहा है, वैसे खुला हुआ होता है लेकिन नहीं बंद भी होता है। आप साइड से निकल जाएं और सीधे हाथ पर मेन रोड पड़ रहा है वहाँ चले जाएं। ये देखें, मैं सीधे हाथ पर मुड़ गई, सामने मुझे मेन रोड दिख रहा है और सामने ही ना बस स्टॉप है। यहाँ पर आराम से सारी रेड बसेस जो हैं वो रुक जाती हैं। एक और भी रेड बस यहाँ से गुजरती है, आई थिंक सो वो R9 है या R10 है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन R3 तो पक्का यहाँ से गुजरती है। मैं बहुत बार सफ़र कर चुकी हूँ। सो भाई फिर R3 आपको मिल जाएगी और R3 से आपने अपने मंजिल तक पहुँच जाना है। इसके अलावा यहाँ पर R9 भी अवेलेबल होती है, आप उससे भी अपने घर जा सकते हो अगर आपका घर R9 के रूट पर पड़ता है। इसी तरह इंशाल्लाह ताला मैं किसी दिन R3 से मदरसा पहुँचूंगी तो फिर वहाँ की ट्रैवल डायरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह।